नहीं, एक्टर्स का तो मैं सभी को कहता हूं कि जहां पर काम दिलाने के नाम पे किसी ने 5 रुपए भी मांगा तो वो फ्रॉड है। ये बॉटम लाइन है कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन बस करा लीजिए, हमारे यहाँ मेंबर बन जाइए, हम आपको दिलाएंगे। वो पैसे मांगे मतलब फ्रॉड है, इससे और ज्यादा पैसा नहीं कर सकता इसमें। बिल्कुल दूसरी चीज, आप सिर्फ तैयार रहें और ऑडिशन देने को समझिए आप प्रिविलेज ऑडिशन दे रहे हो। तो अगर आपके लिए ऑडिशन के आ रहे हैं बहुत सारे फोन, आप मतलब उनके नेटवर्क में हो, उनके डेटा में हो, और उसको एकदम शिद्दत से कीजिए ऑडिशन को। ऑडिशन से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी रिहर्सल हो रही है, और आप कितने कैरेक्टर कर जा रहे हो। महीने में 30 ऑडिशन दिया आपने तो 30 कैरेक्टर कर लिया, आप कितने रिच हो रहे हो ये भी तो देखो। रोल मिले, काम मिले, नहीं मिले तो बात की बात है, काम मिला फिर तो वो सोने पे सुहागा हो गया, लेकिन उससे आपकी प्रैक्टिस भी तो हो रही है। सो जस्ट कीप ऑन गिविंग दिस ऑडिशंस, दिस इज फॉर योर गुड, है ना, फॉर योर प्रैक्टिस। बट ये कहने का मतलब कोई शॉर्टकट नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट कि कहीं ये बोले कि अच्छा मैं करता हूँ ये हो जाएगा, वो ऐसा होता नहीं है कभी जब तक आप काम नहीं और करते। जब तक आप 30 सालों में कोई ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया, एक नॉर्मल सा एक्टर हूँ और उतनी शिद्दत से लगा हूँ। मेरी बातचीत से लग रहा होगा, अभी अभी भी तारीफ कर रहा हूँ, अभी भी एडवोकेट कर रहा हूँ इस प्रोफेशन की उतनी 100% शिद्दत से। और दूसरे बिल्कुल बीच में वो सब लॉलीपॉप आए लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट बनने के, उसमें भी नहीं गया, समझ रहे हैं। तो खर्चा चला रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ, डिग्निटी से रह रहा हूँ, मुंबई में हूँ, मुंबई छोड़ के नहीं गया, दूसरा कोई काम नहीं किया। सो ये भी देखिए शिद्दत, आपके सामने जीता जागता एक उदाहरण बैठा सामने। सो आप परसिवरेंस पेशेंस रहेगा। इवन हम सभी है भाई, चाहे राजेश भाई आप हो, चाहे अनिल है, चाहे मैं हूँ, हम हाँ लोग लगे हैं ना 30-35 साल से लगे हुए हैं यार, और खुश है, अपना काम खुश है करो। हाँ बिल्कुल, खुश है, खुश है, अपना काम कर रहे हैं, बस अपना काम करते चलिए, जब जो होना होगा होगा, और यही काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा अच्छा राजीव लगा सर। सबसे मिलके। हाँ सबसे अच्छा हाँ हुआ नए एस्पिरेंट्स को देख के, और ऐसा दर्पण बोलते हुए तो इतने मैंने तुमको सालों जीवन साल। में पहली बार सुना है, मैंने तीस तो साल से यार जानता हूँ तुम्हारे नहीं, को, बट मैंने बट तुमको आज तक इतना बोलते हुए नहीं सुना नहीं, सच। बट यू आर सो अनिल, क्वाइट। बट अनिल नहीं राजेश भाई और मेरा तो बहुत रहा बीच में, जब मैं कास्टिंग में था ना, कास्टिंग जब मैं करता लगा तब हाँ तब हाँ तब बहुत बातें होती थी। फिर एक शो किया था जिसमें मैं अलग, मेरा अलग ट्रैक था, इनका एक अलग ट्रैक था, हम दोनों साथ में मिले, एक सीन नहीं था हम दोनों का साथ में। नाउ आई एम 64, क्या मुझे कुछ चांस है कि ये आप मैडम नीलिमा जी, नीलिमा कितनी बार जी, पूछेंगे? आपको तो आपका कंपटीशन में बहुत कम लोग हैं। है ही नहीं, ये कम जो एज ग्रुप है यंग ना, ये जो कैसे यंग लोग हैं इनके 50 ऑप्शन रहेंगे, है ना, क्योंकि जो भी बंबई आप आता है सब यंग यूथ एज में आता है। और आपका तो आप जैसे सिलेक्ट कम है एज ग्रुप उनको करने के लिए, तो आप तो सबसे हाँ प्रिविलेज पोजीशन में हो। तो जरा सा बिल्कुल आप मांझ लेंगे ना, जरा सा चमका लेंगे, एक तो देखिए हो सकता है करीना कपूर की माँ बने, या फिर उसकी कियारा आडवाणी की मौसी बने, ऐसे रोल मिलेंगे आप। और फिर वहां अच्छा ऐसे इस उम्र में रोल मिलता है तो चेयर मिलता है बैठने का, भाई इनको जो ब्लॉकिंग बनती है ना, तो नहीं तुम लोग खड़े रहोगे, तुम लोग खड़े रहो, आप बैठिए मैडम, आप सोफे बैठेंगी, ऐसे तो आराम वाला भी होता है, एक्शन सीन नहीं मिलेगा दौड़ाने धुपाने गिराने पड़ाने का। तो ये बड़ी अच्छी उम्र है ये वाली आपकी। सर जो हम डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं वो नेचुरल होने के लिए क्या एक्सरसाइज होना चाहिए? हमारा जो होता है वो बस ऐसे पढ़ जैसे हम पढ़ते हैं वैसे होता है, नेचुरल तरीके से नहीं हो पाते वो डायलॉग्स। मैंने बढ़िया ये जो राजेश पूरी जी। पूरे प्रोसेस है, पूरी ट्रेनिंग एक्टिंग की, उसका मैंने ये बॉटम लाइन ही आपने बोल दिया कि इतने साल की प्रैक्टिस करते हैं, वर्कशॉप जाते हैं, एनएसडी जाते हैं, थिएटर करते हैं, सबका मूल यही है। तो मैंने सबसे डिफिकल्ट, सरल लगता है लेकिन सबसे डिफिकल्ट यही है, सबसे डिफिकल्ट है नेचुरल एक्टिंग करना, लार्जर देन लाइफ करना आसान है, जो रामलीला में होता है, पारसी थिएटर में होता है, नौटंकी में होता है। लार्जर देन लाइफ एक्टिंग करना इजी है, तो आपको बढ़ चढ़ के करना है, लेकिन रियल करना जो है, जो इरफान भाई करते थे, नसीर जी करते हैं एकदम सटल, वो करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, नॉलेज। लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं कि डायलॉग डायलॉग ना लगे, इसके लिए जरूरी है कि इसमें मैंने मोटा मोटी बोलूंगा तो उस कैरेक्टर को फील कीजिए, वो सब बातें हो सकती है, लेकिन इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन में बात कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट लगेगी बात मेरी कि ये मैं क्या सवाल कर रही हूँ, क्या बोल रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, अच्छा साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे नाटक पढ़ना और देखना, अच्छी फिल्में, अच्छी कृतियां देखना, अच्छा म्यूजिक सुनना,
पेंटिंग देखना समझना ये सब इन आपको पता नहीं चलता है, मूर्त रूप में पता नहीं चलेगा, लेकिन अमूर्त रूप में आपके अंदर स्पिरिचुअली ये एनहांस कर रहते हुए आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी समझ को, आपके विजडम को, विजडम फॉर दैट कैरेक्टराइजेशन, टू अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का मिल्यू क्या है, उसकी क्राइसिस क्या है, उसका कंफ्लिक्ट क्या है, उसको समझने में। इसीलिए बोलते हैं हमें एक्टर को लाइफ में एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सपीरियंस को अलग ढंग से मत लीजिएगा कि चूरा मारने का सीन है तो हम चूरा मार के एक्सपीरियंस करेंगे। हमारे झूठ का व्यवसाय है, हमें झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। मैं सबको पूरी दुनिया को पता है कि वो झूठ देखने जा रहे हैं, लेकिन आते हैं उतना पैसा खर्च करके फिल्म देखने, वेब सीरीज का उतना सब्सक्रिप्शन लेते हैं पैसा खर्च करके, क्योंकि झूठ का भी अपना व्यापार है और हम सबसे बड़े मक्कार हैं, सबसे बड़े झूठे हैं, लेकिन उस झूठ में हमारी महारत है। उसको महारत हासिल करने के लिए हम इतनी पढ़ाई लिखाई, वर्कशॉप और थिएटर करते हैं कि झूठ को भी कितने सच्चाई से पेश करें। लेकिन अब उस झूठ को पेश करने के लिए टैगलाइन ही यही है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन टू हैव टू लिव सो मेनी लाइव्स इन वन लाइफ। ये मेरी टैगलाइन है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन टू हैव टू लिव सो मेनी लाइव्स इन वन लाइफ। मुझे तो एक ही लाइफ मिली राजेश जैस की, लेकिन मैं कभी भिखारी बनूंगा, कभी वकील बनूंगा, कभी जज बनूंगा, कभी पुलिस बनूंगा। अब उस रोल को करने, अब वो पुलिस वाला तो उसका प्रोफेशन हो गया, एंड ऑफ द डे बाप भी होगा, साला भी होगा, दाना भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, पड़ोसी भी होगा, ये सब उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उसके पूरे व्यक्तित्व को डिसाइड करेंगे। कहाँ रहता है, कौन से फरीदाबाद का है, बिहार का पुलिस है, ठीक है, केरला का पुलिस वाला है। अब वो किस सिचुएशन में है, अभी किस हालात में है, जो उसको सीन मिला है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब कि आप जब माँ जब फील करेगी अपने बच्चे का दुख तो अपने आप आंखों से पानी आ जाता है, ये बायोकेमिस्ट्री। आप फील, अब उसको मैकेनिकली फील करना है आपको। हम ह्यूमन बीइंग है, बटन तो है नहीं कि ऑन किया और आंसू निकलने लगेगा, लेकिन आंसू निकालते हैं एक्ट्रेस, देखा होगा डेली सोप में भी निकालते हैं, बिना ग्लिसरीन के भी निकालते हैं, निकलता है। वो कैसे निकलता है, वही आपको प्रैक्टिस देनी होगी अपने उन तंतुओं को, अपने टिश्यूज को, अपने सेल्स को, और उसको मेमोरी से कनेक्ट करना होगा कि अगर अब वो कोई जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर सिचुएशन आपके जिंदगी में आई हो, कोई जरूरी नहीं है। सो यू हैव टू इमेजिन दैट सिचुएशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द क्लोजेस्ट पॉसिबल सिचुएशन विच यू हैव बीन थ्रू इन योर पास्ट। उसके क्लोजेस्ट पॉसिबल इमोशंस कभी आपका टकराव हुआ था, कभी उसके आसपास पड़े थे, या अगर नहीं पड़े तो किसी और का अपने निकट संबंधी को देखा था उस परिस्थिति में पड़े हुए, तो उसकी शक्ल याद कीजिए, उसका बॉडी लाइन, उसका जेस्चर, पॉस्चर, उसका इमोशन, उसके ब्रीदिंग पैटर्न यूज कीजिए। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिंग में, हर सिचुएशन में ब्रीदिंग का पैटर्न अलग होता है। जब आप रो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, अभी बात कर रहा हूं इसमें अलग है, ब्रीदिंग इज वेरी इंटीग्रल पार्ट। तो नटशेल में यह है कि आप जो डायलॉग बोल रहे हैं अगर उसको आत्मसात करके बोलेंगे तो वो डायलॉग नहीं लगेगा, और लगना नहीं चाहिए। आपका डायलॉग नहीं लगना चाहिए, इट शुड लुक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैंने अंदर से आपके आ रहा है, आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल के आ रही है, आप वो फील करके बोल रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सर्टेन जेस्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, मेरे बॉडी लैंग्वेज है, देखिए शोल्डर ऐसे चला गया, ठीक है, नॉर्मल साइड से बात करूँ ऐसा ही रहेगा शोल्डर। तो हर सिचुएशन का पॉस्चर जेस्चर वेरी करता है। मैं किसको बोल रहा हूँ, कौन लोग हैं मेरे सामने, किस एज ग्रुप के लोग हैं, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे उनसे क्या बात करनी चाहिए, वो सब डिसाइड होता है। हमारे इस जो प्रोसेसर है ना अंदर, हार्ड डिस्क में प्रोसेसर है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के बाद हम कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारे जेस्चर पॉस्चर्स निकल रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सीन। उस जो भी सीन मिला आपको, उस सीन में से आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालनी है। हां गौतम जी सर, रोड मैप क्या होना चाहिए न्यू कमर्स के लिए सर, एस्पायरिंग एक्टर? रोड मैप तो मैं एक्चुअली बता चुका हूं पहले कि अगर आपने, इफ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल एक्टर, ठीक है, एक्टर है तो नेचुरली सभी मीडियम में काम करेंगे, खाली थिएटर में, सिर्फ फिल्म में, सिर्फ वेब सीरीज में ऐसा तो होता नहीं है। तो अब एक्टर के लिए अब आपने डिसाइड कर लिया है, जैसे मेडिकल के लिए डिसाइड कर लिया मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर के लिए किस तरह का सब्जेक्ट, किस तरह का इंक्लिनेशन चाहिए, किस तरह का फोर्टे चाहिए, कितने घंटे की पढ़ाई चाहती हो, सब आप डिजाइन करते हो, लेआउट बनाते हो, तो उसका ट्यूशन का खर्चा, कोचिंग का खर्चा सब माँ बाप लोग जुगाड़ते हैं, रिसोर्स करते हैं कहीं से, फिर आप
एक्स्ट्रा पढ़ाई लगाते हो, एक्स्ट्रा आवर लगाते हो, तो उसी तरह एक्टिंग के लिए भी अगर यू आर प्लानिंग टू बिकम अ प्रोफेशनल एक्टर देन इट इज प्रेफरेबल टू गेट इनटू एडमिटेड इन सम इंस्टीट्यूट, ठीक है, जहां जहां तक अफोर्ड कर सके। लोग बाहर भी जाते हैं, है ना, ली स्ट्रासबर्ग भी जाते हैं, न्यूयॉर्क जा सकते हैं, वहां चले जाइए अपना खर्चा करके। पैसे नहीं है स्कॉलरशिप से पढ़ना तो NSD है, BNA है, ये सब यहाँ के जो देसी अपने इंस्टीट्यूट है यहाँ जाएं। तो आपको अपनी जिम्मेदारियां कितनी आपकी हैं, आप पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, क्या परिवार की क्या आशाएं आपके साथ, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितना लड़ सकते हो, और प्लान करना कि आपने चलो इतने साल थिएटर करोगे, इतने वर्कशॉप करोगे, उसके बाद आप वहाँ क्वालिफाई करोगे, एडमिशन हो गया तो 2 साल 1 साल 3 साल का कोर्स, उससे निकलने के तुरंत बाद आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी नौकरियों में जैसा होता है कि चलो अप्रेंटिसशिप रख लिया, टोकन मनी पे रख लिया, इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। एक्टिंग में नहीं है, एक्ट में अब तक 50 साल 60 साल भी हो गए तो भी इस्टेब्लिश नहीं होते, हम भी कहाँ इस्टेब्लिश हैं, लड़ ही रहे हैं अब तक छोटे मोटे रोल करते हुए, तो ये सनातन वो चलता रहता है, ठीक है। उसके लिए यू हैव टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग, आपको स्टील हार्ट होना है एक्टर बनने के लिए, नहीं तो वो जो फेलियर की बात की थी ना, फेलियर मोस्टली जो है वैसे लोग उसको पॉइंट कर देते हैं जिन्होंने ठीक से एफर्ट पुट इन नहीं किया। परसेवरेंस, पेशेंस, हार्ड वर्क सब की जरूरत है आपको। आप 50 ऑडिशन दे रहे हो, 100 ऑडिशन में एक में भी आपका नहीं हुआ, दैट डजंट मीन कि आप हार जाओ या लौट जाओ, टिकट कटा लो, नहीं, टेक इट इन योर स्ट्राइड। ऑडिशन जितना होगा वो आप मांझ रहा है आपको, आप 100 ऑडिशन देते हो अलग अलग कैरेक्टर के, अरे आपको तो मौका मिल रहा है अलग अलग कैरेक्टर करने का, थोड़े थोड़े 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट का ऑडिशन में, इट इज योर प्रैक्टिस, आपकी रिहर्सल हो रही है, आपको वो रिहर्सल की तरह लेना चाहिए कि यार मेरी रिहर्सल हो रही है, 1 मिनट का 1 मिनट ये रोल किया, 1 मिनट रोल किया, तो ऑडिशन को ऐसे लो आप, और उसी में अगर हो गया तो बोनस, तुक्का लग गया, रोल मिल गया, आप फाइनल हो गए किसी आर्ट के लिए, किसी रोल के लिए। तो अगर जब तक नहीं आता, बंबई आते हैं पूरी ट्रेनिंग करके, या वहीं दिल्ली में रहते हैं या अपने शहर में रहते हैं, और अब तो ऑनलाइन हो गया, सब सेल्फ टेस्ट भेजते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पैसे भी कम खर्चे होते हैं, जाने आने का टाइम भी बचता है, तो वो भेजते हैं, हो जाता तो नथिंग लाइक इट। और यहाँ का रूल ये है इंडस्ट्री का, इस प्रोफेशन का, कि देयर इज नो रूल। सुशांत सिंह के कोई माई बाप नहीं थे, पटना से मिडिल क्लास से एक लड़का आता है और प्रीमियम प्रोडक्शन हाउसेज में प्रीमियम डायरेक्टर के साथ हीरो का रोल करता है, लेकिन सुशांत जैसे हजारों और हैं जिनका कुछ नहीं हुआ। थोड़ा ये भी है टाइमिंग, किस्मत, वो सब भी है, बट यू कैन नॉट डिनाई हार्डवर्क, परसेवरेंस, पेशेंस। हम सब पेशेंस, अब दर्पण जी, अनिल चौधरी, हम सब पेशेंस के भरोसे तो बैठे हैं यहाँ, पेशेंस है तभी तो बस रोजी रोटी चलता रहे। मुझे इस बात की खुशी है, माई अवार्ड, माई पद्मश्री, पद्म भूषण इज की दैट आई हैव नॉट डेविएटेड फ्रॉम माई फील्ड, फ्रॉम माई मोटो, वॉट आई हैव कम हियर फॉर। मैंने सोचा मुझे एक्टर बनना है तो मैं कपड़े की दुकान में काम नहीं किया, गाड़ी नहीं बेची, रियल एस्टेट एजेंट नहीं बना, प्रोड्यूसर भी नहीं बना, प्रोड्यूसर बनने का भी चांस है तो भी नहीं बना, किन में एक्टिंग ही करना। कि लोग एक्टर्स को ना एम ही समझते हैं, अरे जैसे अरे भाई साहब मेरा बेटा फेल हो जाता है 10वीं में जा रहा है, इसको एक्टर बना दिया यार, देखो फिर रोल वोल दे दो। इस बात से ना मेरी बड़ी सुलगती है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी सुलगती है। ऐसे जो बोलता है ना, इट्स लाइक डिसरिस्पेक्टिंग सम प्रोफेशन, हम लोग बेवकूफ हैं। तो वो पॉइंट भी मुझे प्रूफ करना था उन लोगों के लिए कि बॉस ऐसे नहीं है, है ना, आई हैड बेटर, बहुत दूसरा अपॉर्चुनिटी थे, इट वाज माय प्रेरोगेटिव वेदर आई शुड एक्सेप्ट इट और नॉट। एट द सेम टाइम यू हैव टू सी चेक, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल, एक सोशल यूनिट भी है, वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स आवर फैमिली, लव्ड वंस एंड सोसाइटी। सो विदाउट ब्रेकिंग दैट, विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी सेंटीमेंट, कि आप माँ बाप नहीं चाहते, माँ बाप कमजोर है, बूढ़े हैं, दुकान संभालने के लिए कोई नहीं है, और आप एक्टर बनना है, दुकान वकान ताला लगा के आते हैं, मैंने वैसी स्थिति भी ना हो, थोड़ा मध्यम मार्ग कहीं चुनना पड़ेगा। सो डू वॉट यू वॉन्ट टू, लेकिन ये वॉन्ट टू क्या है, आप एक्चुअली टटोलिए कि क्या एक्चुअली आप एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं तो क्यों एक्टर बनना चाहते हैं। मोस्टली जो है आप बोले ना बोले, वो ग्लैमर जो है वहां दिखता चकाचक, वो होता है एक्टर बनने के लिए। हम उनमें से नहीं है, नहीं है दर्पण, नहीं है मैं, नहीं हूँ, हम आपस में जानते हैं, हम सब एक ही बिरादरी के थली के चट्टे बट्टे हैं, हम एक्टर प्रजाति के लोग हैं।
हमें अभिन्न भिन्न कैरेक्टर दे दीजिए, वो करके हमें आत्मीय सुख मिलता है, इसे तपस्या कर रहे हैं और हम सभी अभी तपस्वी की तरह काम करें, हम वी आर योगीज। तो ये ईमानदारी आपको टटोलनी पड़ेगी कि आप कितने ईमानदार हैं इस प्रोफेशन को अपनाने में। आपको सिर्फ ग्लैमर दिख रहा है शाहरुख खान और कैटरीना वाला, या फिर आप एक्चुअल एक्टर बनना चाहते हैं। एक्चुअल एक्टर जो है साधक होता है, साधक साधना करने वाला। सो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना बोलने का या कुछ और बताने का। कई बार दूसरे पर्सनल चीजें भी होती हैं कि पिताजी मैंने लास्ट सांसें ले रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, उसमें उस डाइवर्स सिचुएशन में कैसे आप सिचुएशन करोगे, हंसने का कॉमेडी सीन है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं हम लोगों के लाइफ में। तो वी एक्टर्स आर जितने सरल दिखते हैं, सरल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, उतने ही डेलिकेट भी हैं, उतने ही वल्नरेबल भी हैं हम, उतने ही स्ट्रांग भी हैं हम। माने होना पड़ेगा, वल्नरेबिलिटी भी चाहिए, सॉफ्टनेस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो बहुत ही गजब का वेयर सब कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमें बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। और थ्रू आउट पूरे आज जिंदगी हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है, अभी भी चलती रहती है, अभी भी कर रहा हूँ, कभी खत्म नहीं हो गया। तो ये जो आपकी शुरुआत है वर्कशॉप, मैंने भी ऐसी जिंदगी की शुरुआत की है। वर्कशॉप अटेंड करता था कॉलेज लाइफ में, क्योंकि धीरे धीरे इधर का चस्का लग रहा था और हर वर्कशॉप से एक दिखता था, उसके बाद उसको एनालाइज करता था। व्हेन वी रिट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन योर पास्ट, तो यू विल गेट टू नो कि क्या ग्रोथ हुई आपकी।